सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 के बारे में, जो कि आपका फैक्टराइजेशन पर बेस्ड। देखिए आप लोग उससे पहले अपनी कापी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। लेने बच्चों बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पूछा है इसमें फैक्टराइज करने के लिए पूछा है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं फैक्टराइज मतलब क्या होता है, हाँ कि हम कॉमन लेते हैं, तो हमें इसे लेना है कॉमन। तो हम कॉमन कैसे लेते हैं कि जो जो संख्या या जो नंबर या जो वेरिएबल जो सब में हो, ठीक है, अगर सब में रहेगा तभी उसको कंसीडर करेंगे कि कॉमन है। तो चलिए जैसा कि एग्जांपल ले लें, क्या है इसमें, इसमें बताइए आपको क्या कॉमन। हाँ इसमें हमारे यक्स कॉमन मिला, क्यों, क्योंकि यक्स दोनों में है। तो हम जब यक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा बताइए आप लोग, ए बचेगा और यक्स भी तो बच्चों बचेगा। पूछिए बताइए क्यों बचेगा, हाँ क्योंकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर मतलब दो यक्स है, जब दो यक्स में से एक यक्स हम ले लेंगे तो एक ही यक्स बचेगा ना, तो हम लोग यक्स लिख दिए। फिर प्लस बी, एक यक्स हम बाहर ही ले लिया, ठीक है, तो हमारा हो गया फैक्टराइज। बस देखिए कितना आसान है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, हाँ इसमें भी तो आसानी है, इसमें क्या कॉमन लेंगे, हाँ सेवन, क्यों, क्योंकि सेवन दोनों में है। देखिए और तो पी, इसमें पी है इसमें क्यू, दोनों अलग अलग वेरिएबल, तो होगा ना, क्या बचेगा, हाँ पी स्क्वायर, और जब इसमें 21 में से हम लोग पी ए सेवन कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आप लोग बोलिए बोलिए, हाँ थ्री क्यू स्क्वायर, सही है कि नहीं, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। देखिए क्या है, हाँ इसमें देखिए कॉमन क्या है, चलिए आप लोग बताइए, थोड़ा सा सोचिए, पहले आप लोग कर लीजिए अपनी कापी पर, कर लिए तो चलिए अब आंसर मिलाते हैं। हाँ देखिए दो तो हमें सब में दिख रहा है कि दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है, और क्या कॉमन, हाँ एक्स कॉमन है, ठीक है, और कुछ तो कॉमन है, एक ही एक्स कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भले से तीन एक्स है, हमें उससे नहीं मतलब, कॉमन मतलब क्या था, जो सब में हो, ठीक है, एक ही एक्स सब में है, बाकी में तो सब अलग अलग है, तो हमें अलग अलग से इतना कुछ लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे, हाँ बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमने ले लिया क्या बचा, हाँ वाई स्क्वायर, एक्स नहीं बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस इसमें जेड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो। देखिए कितना आसान है, इसी प्रकार से आप लोग भी कोई वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन किया जाए, ए वाला किया जाए, क्या ए वाला किया जाए, चलिए पहले आप लोग करिए, हाँ ये तो वैसे भी तो किया ही है, तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, हाँ इसका हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है दोनों, क्या हमने मैंने आपको बताया था कि कॉमन होता है, तो हम उसमें अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर में कॉमन लेते थे तो क्या होता था, हाँ दोनों में से उठा उठा कर ले लेते थे, और कॉमन लेते समय इस बात का हम लोग ध्यान रखते कि जब दो बार आता था हम उसको क्या मानते थे, एक ही मानते थे, तो हम लोग क्या यहाँ पर वाई प्लस जेड को क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, वाई प्लस जेड लिख दिए, और बचेगा कितना, हाँ फिर और बचेगा वाई प्लस नाइन, बताइए ये बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जैसे आप लोग जब कभी भी आप लोग याद करिए, इसमें मान लीजिए आप कॉमन ले रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो दो एक्स था कि नहीं, हाँ एक एक्स लिए तो एक ही बच रहा है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड दो बार है, तो उसका क्या मतलब, हाँ उसका हम एक ही बार लेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, जो बचेगा वाई बच गया, इसको तो हमने उठाकर बाहर ही कर लिया, और क्या बचा प्लस नाइन, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आप लोगों को, हाँ बहुत सही, ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो आप लोग डरिए मत, मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, वो तो समझ में आएगा। तो ये लास्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, आसान है, पहले आप लोग एक बार कर लीजिए, चलिए कर लें, बहुत सही, हाँ देखिए इसमें आप कॉमन ले लीजिए, क्या मिला कॉमन आप बताइए, बहुत सही, फोर कॉमन सॉरी टू एक्स, इसमें से टू एक्स कॉमन, सॉरी टू केवल कॉमन मिलेगा ना, सॉरी हाँ देखिए इसमें क्या मिलेगा कॉमन, टू वाई मिलेगा कॉमन, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या बचेगा है कि नहीं, देखिए मान लीजिए सिक्स एक्स वाई, देखिए क्या होगा, सिक्स एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू एक्स इंटू वाई, चलिए अब बताइए टू एक्स है कि नहीं कॉमन, बिल्कुल है, क्या बचेगा थ्री वाई, सॉरी थ्री एक्स और माइनस हाँ टू, उसी प्रकार इसमें क्या बच जाएगा, चलिए आप लोग बताइए, तो हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ इसमें हम लोग सॉरी एक मिनट, हाँ इसमें हम लोग कॉमन क्या बना, हाँ प्लस थ्री मिला कि नहीं, देखिए आप लोग बिल्कुल मिला है, तो क्या होगा टू
माइनस कितना, हाँ 3x, 2 माइनस 3x, यहाँ तक आप लोग नोट करिए, यहाँ तक आया ना जी। बच्चों कर ले, यहाँ तक कर लिए, तो बताइए यहाँ तक आप लोग समझ आए कि नहीं। देखिए हम लोगों इसमें से 2y कामन लिया और इसमें से कितना कामन लिया, +3, तो हमारा ये बचा। तो देखिए बच्चों हमारे, मैंने आपको देखिए इस वाले क्वेश्चन बताया था ना कि यहाँ पर दो, जब दो जगह कामन आता है तो उसको एक मानते हैं। तो देखिए हम लोग का तो कामन तो मिला, लेकिन माइनस के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ माइनस को कहीं चलो बाहर आ जाए माइनस, तो क्या बचेगा, चलिए बताइए आप लोग, 2y, बताइए 2y बचा, 2y क्या है, 3x माइनस 2, माइनस हम बाहर ले रहे हैं तो क्या बचेगा, हाँ माइनस, क्या हमने कामन लिया था, हमने लिया 3 कामन, बचा यहाँ पे 3, फिर क्या बचा, हाँ यहाँ पर -2 +3x बचा कि नहीं, बिल्कुल बचा। तो अब बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, हाँ क्योंकि मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, यही बच जाएगा। तो फिर ये 2 बार है कि नहीं, हाँ तो इसका क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x -2, उल्टा लेके चाहे देखिए 3x -2 लेंगे, हाँ बिल्कुल, और क्या बचेगा, इन दोनों में से एक लेनी, इसमें से 2y -3, बच गया कि नहीं, बिल्कुल बच गया। तो ये आप लोग समझ में आए कि नहीं, तो एक बार देख लीजिए, चलिए आप लोग अपने कापी पर कॉपी कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। इसमें से हमने 2y कामन ले लिया, तो इसमें से हम 3 कामन ले लिए, फिर हम लोग इसको एडजस्ट किए, कैसे एडजस्ट किए देख लीजिए, 2y था 3x माइनस था, इसमें माइनस कामन ले लिया, यहाँ पर आ गया कि नहीं। चलिए आप लोग अगर यहाँ तक समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करिए बच्चों, जिन लोगों यहाँ तक आ चुके बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।